हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरपोलेशन टॉपिक। बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है, ठीक है। इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरपोलेशन, ठीक है। इंटरपोलेशन जो है एक्चुअली में क्या है, जैसे इंटरपोलेशन में करते क्या है, सपोज एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स आपका वही क्या है, आपका एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स के लिए ये फंक्शन, एक्स की किस वैल्यू के लिए, किस किस वैल्यू के लिए ये क्या है, डिफाइन है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फंक्शन है। सपोज कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। सपोज मान लेते हैं ए एक्स टू द पावर एन प्लस बी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स टू द पावर एन माइनस टू और डॉट 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 डॉट। तो ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो आपका जो रूट्स आएगा इसके, एक्स का जो रूट आएगा वो कितने आएंगे, यहाँ पे एन रूट आएंगे। तो जब आप इंटरपोलेशन करते हैं तो इंटरपोलेशन में आपके पास क्या आता है, दो एक्सट्रीम वैल्यू आती है, ठीक है। दो एक्सट्रीम वैल्यू, सपोज मान लेते हैं ए और बी के बीच में एक्स कोई वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू आती है, उन दोनों के बीच में ही वैल्यू लाई करेगी। तो इंटरपोलेशन का मतलब यही है कि इंटरपोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग अ वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स एट विच लाई टू एक्सट्रीम पॉइंट। तो दो आपके एक्सट्रीम पॉइंट होंगे, ए और बी के बीच में आपका जो वैल्यू है लाई करेगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक्स की जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम रखते हैं तो क्या है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या आर्गुमेंट कहते हैं इस एफ एक्स को। इस वाई को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको एक्स रखने के बाद आती है। पूरे चैप्टर में हमें कुछ बेसिक चीजें पढ़ना है यहाँ पे। देखो तो स्टार्टिंग क्या है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इंट्रोडक्शन है। तो हमको पढ़ना क्या क्या है पूरे चीज में, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे इंटरपोलेशन में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इसी सीक्वेंस से हम पूरा का पूरा इंटरपोलेशन चैप्टर पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है और मार्क्स भी इजिली आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन में होगा क्या, कि एक्चुअली में इंटरपोलेशन है क्या, करते क्या है, और एक्चुअली में हम फाइंड क्या करते हैं। तो कुल मिला के क्या है, आप रूट फाइंड करते हो, अप्रोक्सीमेट रूट, जिसमें क्या है, टू एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच वाली वैल्यू रहती है जो इस एक्स को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, ज्यादा कुछ है नहीं। फिर इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है उसमें आपका क्या आ जाएगा, इसको बोलते हैं आपका फॉर, डिफरेंस टाइप के जो ऑपरेटर है वो बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस ऑपरेटर इसको बोलते हैं, इस टाइप का होगा। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड, बैकवर्ड डिफरेंस, डिफरेंस ऑपरेटर। तो पहले हम जस्ट फैमिलियर हो जाते हैं कि ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। उसके बाद आएगा आपका डिवाइड ई, शिफ्टिंग ऑपरेटर, एस एच आई शिफ्टिंग ऑपरेटर, क्लियर है। फिर इसके बाद आपको न्यू ऑपरेटर पढ़ना है, उसको बोलते हैं आप डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, ये है आपका डिवाइडेड, डिवाइडेड डिफरेंस, डिफरेंस ऑपरेटर, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। फिर आपका जो न्यू ऑपरेटर आएगा, ये पूरा चैप्टर में अगर ये ऑपरेटर में अगर कंफ्यूजन है तो क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। सबसे पहले हम क्या है, फॉरवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर, शिफ्टिंग ऑपरेटर, डिवाइडेड डिफरेंस, और उसके बाद है आपका एक सेंट्रल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एक सेंट्रल ऑपरेटर, सेंट्रल ऑपरेटर, सेंट्रल ऑपरेटर, ठीक है। सेंट्रल ऑपरेटर के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर आपका आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं एवरेज ऑपरेटर, क्या बोलेंगे, एवरेज
ऑपरेटर ऑपरेटर, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो ये बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर हैं यहाँ पे, ठीक है। इन सब ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है कि एक्चुअली में क्या है, और उसके बाद जो पढ़ना है आपको रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, इन सब रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर में, इन सब ऑपरेटर्स के बीच में कैसा रिलेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपका, ठीक है, वन है हो गया, यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे ई इनवर्स हो गया, तो ई माइनस ई इनवर्स इक्वल टू क्या होता है आपका, फॉरवर्ड ऑपरेटर, और वन माइनस ई इनवर्स होता है आपका बैकवर्ड ऑपरेटर। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो रिलेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है डिटेल में, क्लियर है। तो ये सारी चीजें पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है लोकेशन ऑफ एरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोकेशन ऑफ एरर, लोकेशन ऑफ एरर, ठीक है, लोकेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ज्यादा कुछ है नहीं, आपको ये सब ऑपरेटर्स हैं इन सब के भी बारे में बताना है, बताएंगे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और आपका ये जो है यहाँ पे, ये क्या है, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन डिग्री, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन डिग्री। लोकेशन ऑफ एरर, लोकेशन ऑफ एरर में आपको बताना है कि ये प्लस माइनस ई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेबल है, तो उसी को स्टडी करना है। उसके बाद है कुछ बेसिक्स थ्योरी दिया हुआ है, वो चीज पढ़ना है, ठीक है। तो बिफोर द वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आगे वाला टॉपिक है, बेसिक थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन, ये चीज आपको पढ़ना है। अगेन जो आएगा, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन, ठीक है। तो मेथड ऑफ इंटरपोलेशन में क्या है, डिफरेंस टाइप है आपको, ठीक है। तो दो टाइप है जनरली यहाँ पे, एक अलजेब्रिक टाइप का है, एक ग्राफिकल। तो आपको ग्राफिकल अभी नहीं पढ़ना है, आपको बस अलजेब्रिक टाइप का पढ़ना है, ठीक है। तो जिसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होगा वो चीज पढ़ना है। तो इसमें दो टाइप है, हो जाएगा एक आपका अलजेब्रिक, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक कल मेथड, मेथड, और सेकेंड मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो ये अभी आपके बुक में है नहीं, तो इसके बारे में अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड इसको बारे में अभी पढ़ना नहीं है, आगे जो पढ़ना है पूरा अल्जेब्रिकल मेथड, इसी पे फोकस करना है आपको। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके मेथड हैं, तो इन मेथड को पढ़ना है, ठीक है। तो पहला मेथड है आपका बाइनोमियल एक्सपांशन मेथड, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल एक्सपांशन, बाइनोमियल एक्सपांशन मेथड, ठीक है। इसको मिसिंग टर्म्स मेथड भी बोलते हैं, मिसिंग टर्म जो एरर निकालते हैं ना, वही चीज है, मिसिंग टर्म्स मेथड, ठीक है। तो मिसिंग टर्म मेथड, या इसको टेक्निक भी बोलते हैं, मिसिंग टर्म्स टेक्निक, टेक्निक, ठीक है, मिसिंग टर्म्स टेक्निक। तो ये इम्पोर्टेंट है, मिसिंग टर्म टेक्निक। और इसमें क्या है आपका, एक और मेथड है, ठीक है, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड है आपका न्यूटन्स मेथड, न्यूटन मेथड। इसके वजह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे न्यूटन्स, ये सब इंटरपोलेशन करने के मेथड हैं, ठीक है। इंटरपोलेशन कैसे निकालते हैं, ये सारे मेथड है, ये सब आपको पूरे सिलेबस में, इंटरपोलेशन वाले चैप्टर में ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हम जिस सीक्वेंस में लिखा है टॉपिक, उसी सीक्वेंस में सारी चीजें कवर करते जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है, ठीक है, बुक के सारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम हम सॉल्व करा देंगे। तो न्यूटन्स मेथड, न्यूटन मेथड में आपके दो टाइप हैं, ठीक है, दो टाइप हैं। तो पहला टाइप है आपका इक्वल इंटरवल जब होंगे, इक्वल इंटरवल, इक्वल इंटरवल, जो सेकेंड टॉपिक है अनइक्वल इंटरवल, अनइक्वल इंटरवल, दोनों अनइक्वल इंटरवल, ठीक
ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, मेथड तो सेम है। ठीक है, न्यूटन मेथड में दो टाइप के हैं क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ इक्वल इंटरवल वाले आपको मिलेंगे, ठीक है, और कुछ अनइक्वल इंटरवल मिलेंगे, तो इस टाइप से क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड है लैग्रांज मेथड, लैग्रांज 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 मेथड, ठीक है, लैग्रांज मेथड है तीसरा मेथड। उसके बाद इसमें ऐसे मेथड तो बहुत सारे हैं, आपको जो बुक में है, आपको जो बुक में पढ़ना है यही चीज है, बाइनोमियल एक्सपांशन, न्यूटन मेथड एंड लैग्रांज मेथड, यही तीनों पे मेनली आपको फोकस करना है, आपके सिलेबस में यही चीज है। वैसे तो मेथड बहुत सारे होते हैं, तो जो चौथा मेथड है हर्माइट मेथड, हर्माइट मेथड, ठीक है, हर्माइट मेथड इसी सीक्वेंस का पार्ट है, ठीक है, अलग अलग मेथड है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें हैं आपके सिलेबस में है, ये सब सिलेबस में है, हर्माइट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगेन इस टाइप का और मेथड है क्यूबिक स्प्लाइन मेथड, क्यूबिक स्प्लाइन मेथड, इसी का आगे वाला पार्ट है, जब एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ोगे ये सारी चीजें आएंगी यहाँ पे, तो क्यूबिक स्प्लाइन मेथड ये भी आपको नहीं पढ़ना है। आगे सेंट्रल डिफरेंस मेथड ये भी आपको नहीं पढ़ना है, सेंट्रल सेंट्रल डिफरेंस डिफरेंस मेथड। तो ये जो लास्ट की तीन मेथड मैंने बताया ये सब एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट है तो ये पार्ट इंटरपोलेशन का ही और ये मेथड ही है अलग अलग। तो एक्चुअली में जो आपके बुक में है यही चीज है, आपको आपके सिलेबस में एपीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इंटरपोलेशन में बस बाइनोमियल न्यूटन एंड लेग्रांज मेथड के बेस पे ही सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो इंट्रोडक्शन में यही सारी चीजें थी पूरी पूरी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही था कि बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब क्या है, टर्म्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे, फिर आपने क्या क्या पढ़ा कि ऑपरेटर्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, बैकवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, सेंट्रल ऑपरेटर क्या होता है, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, एवरेज ऑपरेटर क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, उसके बाद क्या पढ़ा है हमने लोकेशन ऑफ एरर कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें पढ़ना है, उसके बाद क्या है कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ मेथड्स हैं वो चीज पढ़ना है आपको, ठीक है, बेसिक थ्योरी है वो पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन पढ़ना है, उसके बाद क्या है बेसिक मेथड है, तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे मेथड ऑफ इंटरपोलेशन निकालने के, अल्जेब्रिक मेथड, अल्जेब्रिक मेथड में आपको तीन मेथड पढ़ना है, तीन मेथड में आपको क्या है बाइनोमियल एक्सपांशन मेथड, न्यूटन मेथड और लैग्रांज मेथड। ये न्यूटन मेथड्स में आपके पास दो टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, कुछ इक्वल इंटरवल वाले आएंगे और कुछ अनइक्वल इंटरवल आएंगे। तो ये था पूरा चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है सिक्वेंस में, और नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर ऑपरेटर का रिलेशन, ठीक है। तो ये पॉज द वीडियो और नोट डाउन ये सारी चीजें कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आगे का जो पोर्शन है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन है ऑपरेटर्स के बीच में, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में ही कर लेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी वो ऑपरेटर्स से रिलेटेड आएगी, और जितने टाइप्स के ऑपरेटर हैं सब ऑपरेटर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बेस पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इंडिविजुअल ऑपरेटर्स के बीच में जो भी रिलेशन है वो सारी चीजें आएंगी, और आपके ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशंस आएंगे, रिलेशंस के बाद ये सारे मेथड आप पढ़ेंगे, एरर्स निकालना पड़ेंगे, और सारे अल्जेब्रिक मेथड जितने हैं वो सारी चीजें हम एक एक वीडियो में करके आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।